ये है बंसल न्यूज इंटरनेशनल और आप देख रहे हैं BNI12.com। खबरों में जान, हमारी पहचान। चित्रकूट के जिला मुख्यालय करबी की कोतवाली से महज आधा किलोमीटर दूर एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ रेप करने के बाद हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार 12 वर्षीय शिव देवी पड़ोस के मकान में टीवी देखने गई थी और उसके बाद वह वापस नहीं लौटी। लड़की के परिवार वालों ने उसे सभी जगह ढूंढा लेकिन कोई पता नहीं लगा। जहाँ टीवी देख रहा मैं ढूंढ रहा था, है नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं। फिर मैं सुबह 7 बजे तक ढूंढ रहा, नहीं मुझे मिला। देखा कि यहाँ पन्नी पड़ी है, एक लाश पड़ी है, फिर मैंने लाश को ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कोई कचरा डाल दिया है, तो मैं कही देखो यहाँ कचरा डाल दिया। फिर उसके बाद वो किए देखे तो मैंने कहा कोई कचरा बीनने वाला बच्चा है, बेहोश होकर ठंडी लग गई, गिर गया। फिर जब मैंने इनको बुलाया तो ये बोले कि हाँ ये ठंडी लग गई। फिर मेरी लड़की आई तो कही कि मम्मी ये तो वही है जो यहाँ कभी कभी वो मांगने आ जाया करती थी। सुबह तड़के लड़की के घर से थोड़ी ही दूर एक संकरी गली में रेप के बाद हत्या किए जाने के बाद खून से लथपथ एक लाश मिली थी, जिसकी पहचान मृतका के माता पिता ने शिव देवी के रूप में करते हुए 100 नंबर पर फोन किया। घटना की सूचना मिलते ही जिले के आला पुलिस अधिकारी और चित्रकूट धाम मंडल के DIG ज्ञानेश्वर तिवारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। डॉग स्क्वाड की टीम ने भी मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस अभी तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घर वालों की तहरीर पर मुकदमा कायम कर शक के आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया है। गोकुलपुरी मोहल्ले में शिव कुमार गौतम के मकान के सामने खड़ंजे पर एक 13-14 साल की लड़की की डेड बॉडी पाई गई है। उसकी शिनाख्त में उसका नाम शिव देवी उर्फ सुदेवी पता चला है। इसके माता पिता वहीं आसपास किराए पर रहते थे। प्राथमिक पूछताछ में ये पता चला है कि ये लड़की रात 9 बजे तक अपने मकान मालिक के यहाँ TV देख रही थी और इसके साथ इसकी छोटी बहन भी थी। उसके बाद से ये लड़की गायब हुई और इसकी माँ उस समय कार्य करने हुए बाहर गई थी और जब लौट कर आई तो उसे पता चला। इसके बाद उसने ढूंढना प्रारंभ किया लेकिन रात में लड़की नहीं मिल सकी। ये UP 100 पर सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई प्रारंभ की। पुलिस ने सबका पंचायतनामा किया। पंचायतनामा करने के पश्चात बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके पिता की तहरीर के आधार पर 302-201 धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। घटना के अनावरण के लिए अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। संभावना है कि उसके साथ रेप किया गया हो या करने का प्रयास किया गया हो, उसी दौरान ही हत्या हुई। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग द्वारा लगाई गई आचार संहिता के बाद चित्रकूट के जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में लगे होल्डिंग बैनर और वॉल पेंटिंग तो हटवा ली है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बनी वॉल पेंटिंग को मिटाने में लापरवाही बरती जा रही है। चित्रकूट जिले के सपहा गांव में बजरंग इंटर कॉलेज के बाउंड्री वॉल में राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रचार प्रसार करने के लिए कराई गई वॉल पेंटिंग्स पर जिला प्रशासन की नज़र अभी तक नहीं पहुंच पाई है। गुलाबी गैंग के राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल ने जिला प्रशासन द्वारा की जा रही इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए गाँव में बनी इन वॉल पेंटिंग्स को जल्द हटाए जाने की मांग की है। क्या शहरों के हटाने से ये चुनाव आयोग का पूरा नियम है कि गांव में जैसे ये निर्भय पटेल जी का साइकिल का चुनाव चिन्ह है, इधर हाथी का चुनाव चिन्ह है श्री बहन मायावती का, और हाथी का चुनाव चिन्ह है, और गांव में देखो इस तरह की पूरी दीवारें रंगी है, इसमें प्रशासन की नजर नहीं जा रही है, तो क्या शहर भरे में ये सारा कानून चुनाव आयोग का क्या रोल है भाई? ये इसी तरह का बर्ताव होगा और इसी तरह शहरों में हटवा लिया और ऐसे पुलिस, क्या पुलिस तो ऐसे धावा मारती रहती है, क्या पुलिस की नजर में ये नहीं है? 23 फरवरी को चित्रकूट की दोनों विधानसभाओं के लिए होने वाले चुनाव के मद्देनजर चित्रकूट धाम के DIG ज्ञानेश्वर तिवारी ने जिले के आला पुलिस अधिकारियों के साथ मानिकपुर विधानसभा सीट के 10 प्रभावित गांवों का दौरा किया। पुलिस अधिकारियों का अमला मानिकपुर के डोना माफी और नागर कल्याणगढ़ गाँव पहुंचा और वहां लोगों के साथ चौपाल लगा, उनसे क्षेत्र में डकैतों की मौजूदगी और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। DIG ज्ञानेश्वर तिवारी ने लोगों को UP 100 सेवा का इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित किया जिससे पुलिस गांव में आपराधिक गतिविधियों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर सके। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को भयमुक्त मतदान करने के लिए प्रेरित करते हुए अपने मनपसंद प्रत्याशी को वोट देने को कहा। चुनाव के दौरान जो वल्नरेबल एरियाज हैं उनका भ्रमण किया गया, आज गाँव वालों से बात की गई, 10 प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया और जो उनकी समस्याएँ हैं वो सुनी गई और उस एरिया में बराबर गश्त करने के लिए और बराबर पुलिस का दबाव बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एक कंपनी
पैरामिलिट्री फोर्स आज आ रही है, वो भी एरिया डोमिनेशन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो हम लोगों की पूरी ये प्लानिंग है कि किसी भी तरह से चुनाव पे दस्यु गैंग का कोई प्रभाव ना पड़े भाई।